नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ बुलिस्ता। राजस्थान में राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर जयपुर शहर की 3 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से आवेदन लिए गए हैं। मंगलवार को विधानसभा क्षेत्र बगरू, विद्याघर नगर और आदर्श नगर क्षेत्रों में प्रदेश प्रभारी, जिला प्रभारियों ने ब्लॉक अध्यक्षों के साथ बैठक की। अब इसके साथ ही इस दौरान विधानसभा चुनाव लड़ने वाले दावेदारों से आवेदन भी लिए। तीनों सीटों से कुल 44 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। आपको बता दें कि बगरू विधानसभा में प्रदेश प्रभारी पप्पू लाल प्रजापति, जिला प्रभारी जुल्फीकार नसीराबादी और दोनों ब्लॉक अध्यक्ष की मौजूदगी में 27 बायोडाटा प्राप्त हुए। प्रमुख आवेदकों में विधायक गंगा देवी, लीलावती वर्मा, तारा बेनीवाल, राजेश जजोरिया, आशा सीवाडिया, रुक्मणी सोयल, दीपक डंडोरिया ने अपने आवेदन दिए। आगे बताते चले कि विद्याधर नगर विधानसभा में प्रदेश प्रभारी डॉक्टर शिखामील, जिला प्रभारी कमल शर्मा और दोनों ब्लॉक अध्यक्षों की मौजूदगी में 11 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें प्रमुख रूप से सीताराम अग्रवाल, शशि गुप्ता, मंजू शर्मा, सुशील पारिक, हरेंद्र सिंह जादौन ने आवेदन किया। आगे बताते चले कि आदर्श नगर विधानसभा में प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा, जिला प्रभारी विक्रम सिंह पवार और दोनों ब्लॉक अध्यक्षों की मौजूदगी में 6 बायोडाटा प्राप्त हुए, जिसमें प्रमुख रूप से विधायक रफीक खान, जाकिर गुडेज, इमरान कुरैशी, उमर दराज ने अपने आवेदन पेश किए। आगे बात करें, जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आर तिवारी ने बताया कि जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की शेष विधानसभा सांगानेर, मालवीय नगर, हवा महल, किशनपोल, सिविल लाइंस क्षेत्र की बैठकें कल आयोजित की जाएंगी, जिसमें चुनाव लड़ने वाले दावेदारों से आवेदन लिए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी अपडेट्स और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।